प्यार में पाकिस्तान पहुंची अंजू ने कहा शादी करने को तैयार है नसरुल्ला, बच्चों को भी साथ रखने को राजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जैसा एक मामला अलवर के भिवाड़ी में सामने आया है, लेकिन इस बार भारत की लड़की पाकिस्तान पहुंची है। टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रहने वाली 33 वर्ष से अंजू सोशल मीडिया पर दोस्त बने नसरुल्ला से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। नसरुल्ला ने मीडिया से कहा, अपनी बातचीत में अंजू से मैं शादी करने को राजी हूं, लेकिन अंजू चाहेगी तभी वह उससे शादी करेगा, फिलहाल शादी का कोई प्लान नहीं है। अंजू का वीजा 20 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है और उससे पहले ही भारत लौट जाएगी। हालांकि अपने बयान में नसरुल्ला ने यह भी कहा कि मैं अंजू से सगाई करूंगा और सगाई के कुछ दिन बाद ही अंजू इंडिया वापस जाएगी और फिर वापस पाकिस्तान आएगी। जानकारी के लिए बता दें कि अंजू अपने पति अरविंद कुमार के साथ 2 साल से टेरा एलिगेंसी सोसाइटी में रह रही है। उसकी 15 साल की एक लड़की है और एक 6 साल का बेटा भी है। इन दोनों को अभी भी नहीं पता है कि उनकी माँ पाकिस्तान चली गई है। वहीं फेसबुक पर एक पाकिस्तानी शख्स से दोस्ती के बाद उनसे मिलने खैबर पख्तूनख्वा पहुंची भारतीय महिला अंजू ने एक बयान में कहा कि वो अपने प्रेमी नसरुल्ला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला पहुंची अंजू ने बीबीसी से बातचीत की और खास बातचीत में ये कहा कि उन पर शादी के लिए इस्लाम कबूल करने का कोई भी दबाव नहीं डाला गया है, लेकिन वो खुद शादी के लिए धर्म बदलने के हक में नहीं है, वो जैसी है और वैसी ही रहेगी। बीबीसी ने अंजू से नसरुल्ला से दोस्ती और उनके पाकिस्तान पहुंचने से लेकर तमाम सवाल किए और उनकी सगाई और शादी की योजना के बारे में भी सवाल किए, जिस पर अंजू ने जवाब दिया कि मैं नसरुल्ला से सन 2020 से लगातार संपर्क में, फेसबुक के जरिए एक दूसरे के वो संपर्क में आए थे। नसरुल्ला से मिलने के लिए वो पाकिस्तान पहुंची। यहाँ आकर उन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने अपने पति को ये नहीं बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, और बता देती तो शायद वो मना कर देते। मुझे ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में मेरी एंट्री हो पाएगी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं पाकिस्तान पहुंची हूं और बच्चों से मैं लगातार इस दौरान बात कर रही हूं, संपर्क में हूं। जहां तक सगाई और शादी की बात है तो इस पर अंजू ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में पति को नहीं बताया है और मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैंने उनको बोला है कि वापस आऊँगी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मेरा 1 महीना का वीजा है और मैं 2-4 दिन भारत में वापस आ जाऊंगी। मैं सब कुछ देख सुन कर ही सगाई करने का फैसला लूंगी। अगर सब कुछ ठीक लगा तो लौटने से 1 दिन पहले सगाई कर लूंगी। सगाई करने के बाद वापस भारत आऊंगी और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा करूंगी। वहीं नसरुल्ला के साथ मेरा रिश्ता अभी तक काफी अच्छा है, इनके घर वाले भी अच्छे हैं और लोग प्यार से बात करते हैं। मेरे ऊपर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इन लोगों को भी पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप बने रहे सिटी वेब के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।